आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभावी का आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो फोर्थ स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया, उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यांचक हैं श्री सुरेश, श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। चारित्र समाज देश संबल। चारित्र समाज देश व्यक्ति है सबका संबल होता है। चारित्र समाज देश संबल है सबका संबल होता है। चारित्र बिना इस जीवन का इतिहास न उज्जवल होता है। चारित्रहीन बल अर्थवर्त खुद बुद्धि का खुला प्रदर्शन है। चारित्र समाज देश व्यक्ति है सबका संबल होता है। चारित्र बिना इस जीवन का इतिहास न उज्जवल होता है। चारित्रहीन बल अर्थवर्त बुद्धि का खुला प्रदर्शन है लाख बात की बात यही चारित्र मनुष्य का दर्पण है। चारित्र मनुष्य का दर्पण है। जो चारित्रवान व्यक्ति होता है वो ना भी बोले तो भी उसके आकृति, उसकी प्रवृत्ति, उसका सहज विकास नतमस्तक कर देता है। क्योंकि जीवन में दो मार्ग हैं, एक मार्ग है समर्पण का और एक मार्ग है संघर्ष का। जो समर्पण के मार्ग पर चलते हैं वो परमात्मा को पा जाते हैं, और जो संसार संघर्ष के मार्ग पर चलते हैं वो संसारी कहलाते हैं। क्योंकि संघर्ष तो तुम हर चीज़ के लिए करते हो, और कहा भी है, परिद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्ति भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। दौलत राम जी कहते हैं कि आकुलता के बिना जो श्वासत सुख है वही, और उसमें ही लगना चाहिए। फिर कहा है कैसे लगें, कैसे समझें कि हमें कुछ एहसास हुआ, तो कितनी सुंदर बात कही है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। कह दिया रुचि हो, आपका इंटरेस्ट, आपके पसंद, आपके जीवन का लक्ष्य क्या क्या होता है। कोई कहता है बहुत बड़ी गाड़ियाँ बना लूँ, कोई कहता है विदेश चला जाऊँ, कोई कहता है कि ना जाने देश में कितना बड़ा नाम कर लूँ, पद पालूँ, संपत्ति पालूँ, सम्मान पालूँ। लेकिन पद वाले पीछे से छुरा लेकर तैयार खड़े होते हैं। जो तुम्हारा एक दिन पहले झंडे लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तुम्हारे पक्ष में खड़े थे, दूसरे दिन तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं जितना जितना दूसरों से अपेक्षा रखोगे उतने उतने मिथ्या दृष्टि हो, और पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। उन्होंने कह दिया पर द्रव्यों से रुचि को भी हटा लो,
तन को तो मन को तो हटा ही लो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं भी हटा लो। इच्छाएं हमारी हटती नहीं हैं, हम जितना हो सके पर द्रव्यों से संबंध बनाते हैं, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी ख्याति, मेरी डिग्रियाँ, ये सब क्या है? मैं का जितना विस्तार करते हो तुम, मैं की जितनी अपेक्षाएं रखते हो, उतनी अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। और मैं अकेला हूँ, निष्पक्ष हूँ, मेरे पक्ष में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी स्वासत सत्ता के लिए हुआ हूँ। जिस दिन अपने से मिलन हो जाएगा, अभिरुचि भी हो जाए, तो भी तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अभी तो हाल ये है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते तो हैं, लेकिन उस समय जाते हैं जब डॉक्टर नहीं बैठता है, क्योंकि ताकि कोई ये भी नहीं कह दे कि तुम गए नहीं डॉक्टर के। लोग ये ना कह दे कि तुम तो जाते ही नहीं, तो तुम कहते हो हम तो जाते हैं, हम तो एक बार नहीं तीन बार जाते हैं। कोई कह दे तुम मिले नहीं, बोले हम तो आत्मा आत्मा की बात करते हैं। कोई कह दे कि तुमने आज तक पुरुषार्थ नहीं किया, बोले सुबह से शाम तक भगवान की माला फिरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत संयम पालते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन अब विचार करके देखना कि जितनी लगन तुम्हारी पर द्रव्यों के प्रति है, इतनी लगन है क्या? जितना पुरुषार्थ तुम पर द्रव्यों के लिए करते हो, उतना पुरुषार्थ यदि अंश रूप में भी अपने लिए कर लिया होता तो तुम परमात्मा बन जाते। पर द्रव्यों के लिए इतना पुरुषार्थ है, सुबह से शाम तक आपका एक ही पुरुषार्थ होता है, मुझे चीज़ें कैसे मिल जाए, चीज़ों की चाबी मेरे पास कैसे आ जाए, मैं अधिकारी कैसे बन जाऊँ, इसके चक्कर में तुम घन चक्कर हो गए हो। पढ़ने का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, कचहरी का चक्कर, मित्रों का चक्कर, पत्नी का चक्कर, बच्चों का चक्कर, चक्कर चक्कर में तुम हो गए घन चक्कर। क्योंकि आदमी सोचता है कि सुकून से जिएंगे, सुकून की ज़िंदगी कहाँ होती है। एक व्यक्ति को सपना आया, कुएं के कगार पर सो रहा था कि मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए और बच्चे पैर दबा रहे हैं, फिर बच्चों की शादी हो गई, फिर नाती पोते हो गए। एक व्यक्ति मर नहीं पाता जब तक 12-15 तो हो ही जाते हैं। और उसने सोचा कि वो पैर दबा रही है, मैं उससे कह रहा हूँ ठीक से दबा। और जैसे ही वो ठीक से नहीं दबा रही थी, मैंने लात मारी और वो नीचे गिर गई। वो तो नहीं गिरी, लेकिन इसने लात मारी और कुएं के पाट पर सो रहा था। वो तो पत्नी तो सपने की थी, उसे क्या गिरना था क्या मरना था, लेकिन ये बैठा था पाट पर, ये सो रहा था पाट पर, इसने करवट ली और ये छलांग इसकी लग गई, यानी करवट लेते ही कुएं में गिर गया। और कहते वाह मुश्किल किसी ने निकाला, तो बाहर आकर बोला कि तुम लोग कैसे जीवित पत्नी के साथ रह रहे हो, मैं तो सपने की पत्नी के चक्कर में भी कुएं में गिर गया। ध्यान रखना, पत्नी कोई बंधन नहीं है। पत्नी के साथ जो ये राग है कि मेरी पत्नी है, वो किसी की तरफ देखे नहीं, किसी से बोले नहीं, बेवजह शंकाएँ हो जाती हैं। आपने कई प्रथमान योग में बड़े समाधि मरण में पढ़ा होगा कि हमारी श्रद्धा तुरंत टूट जाती है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है हमारी। हम जिसको श्रद्धा कहते हैं वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास है। तुम्हारा नौकर पर विश्वास है, तुम्हारा चपरासी पर विश्वास है, मालिक पर विश्वास है, अफसर पर विश्वास है, और तुम्हारी अन्य चीज़ों पर विश्वास है, टॉनिकों पर, दवाइयों पर विश्वास है तुम्हारा। लेकिन विष का वास जहाँ बोए विश्वास, तुम्हारे विश्वास में भी विष का वास है। तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो और पत्नी की कोई अलमारी अटैची लगा रहे हो, और पत्नी की अटैची लगाते लगाते तुम्हें एक पुराना पत्र मिल जाए। वो पत्र भले 20 साल पुराना हो, लेकिन वो पत्र किसी और के लिए लिखा गया हो तो आप बताना क्या होगा। अब वो 20 साल से तुम्हारे घर में रह रही है, समर्पण भाव से रह रही है, पूरी कहीं आती नहीं जाती नहीं, बिल्कुल तुम्हारे इशारे पर चलती है। लेकिन सच बताना, तुम्हारा आग्रह है कि ये पहले भी किसी को क्यों चाहती थी और मेरे बाद भी किसी को क्यों चाहेगी? इतना दुराग्रह है कि तुम तुरंत पत्नी से विमुख हो जाते हो।
और सच पूछो हमारे यहाँ जितनी सती प्रथा आदि की गई, पत्नियों को प्रताड़नाएँ दी गई, पत्नियों को बहुत दुर्दिन दिखाए गए विधवा होने के बाद, वो क्यों, किसने दिखाए थे? ये मर्दों की दुनिया है, ये तानाशाहियों की दुनिया है कि मेरे साथ ही तू सुख भोग सकती है और मेरे बाद तुझे सुख का अधिकार नहीं। मार ही तो कहीं दूसरे की हो जाए तो मरने के बाद भी दूसरे की नहीं हो जाए। ऐसी सत्ता जाधारी है, ऐसी सत्ता की हुकूमत की इच्छा रखता है वो वास्तव में मोही है, वो परिग्रही है, क्योंकि जड़ चेतन सब पे अपना अधिकार चाहता है। एक बार एक मकान में आग लगी और लोगों ने आके कहा, सेठ जी आपके मकान में आग लग गई। सेठ जी रोने लगे। बेटी ने आके कहा, पिताजी उसका तो सौदा हो गया था। सेठ जी बोले, फिर कोई बात नहीं, आग लग जाने, अरे बिकता ही नहीं था, कम से कम बिका तो। और खुश होने लगे। लेकिन जैसे ही सेठ जी खुश हो रहे थे, तब तक मुनीम ने आके कहा कि सेठ जी बात चल रही थी, बिका नहीं था और वो सौदा कैंसिल हो गया। सेठ जी फिर रोने लगे। फिर छोटे बेटे ने आके कहा, पिताजी कल रात को बिक गया था। सेठ जी फिर चुप हो गए, खुश हो गए। लेकिन किसी ने कहा, वो तो अभी अभी कैंसिल कर दिया। फिर रोने लगे। इतने में उसी का फ़ोन आ गया। उसने कहा, चाहे जले चाहे गिरे, मैंने मकान ले लिया। सेठ जी खुश हो गए। अब आप देखो कि जलने का दुख नहीं है, मरने का दुख नहीं है, गिरने का दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो मेरा है और नुकसान हो जाए तो दुख है। मेरा है और आपको बताओ बहुत पैसा मिल जाएगा तो क्या करोगे? अपना मकान भी गिरा दोगे? आचार्य यही तो करते हैं, जीवन की शैली यही तो है कि तुम पर द्रव्य को पर द्रव्य समझ लो कि मौत के बाद न व्यक्ति जाता है, न वस्तु जाती है, न परिस्थितियाँ जाती हैं, तुम्हारा अकेला एक अकेला रहने का भाव जाता है। आप देखो, यदि आपको अकेला रहना पड़ जाए तो आपको कितना कष्ट होता है। आप कहीं जाते कहते तुम भी चलो ना मेरे साथ, किसी को ले जाते हो, बोझ की तरह ढो के ले जाते हो, अपना पैसा भी लगाते हो, क्योंकि तुम्हें अकेले में होना बहुत डर लगता है। और संत अकेले में ही आनंद में रहता है, उसे पता है जब तक पर द्रव्य हमारे साथ हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अभी तक हमारी अभिरुचि जगी नहीं है। अभी तो हम अध्यात्म की समय सार की गाथाएं भी पढ़ लेते हैं, और मेरा बेटा ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे पियर वाले ऐसे, उनके गाने नहीं निपटते, तुम्हारे मंत्र बन जाते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? जो मन में बस जाए, बार बार रिपीट हो। हमारे यहाँ स्वाध्याय क्यों कहा है? एक एक हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति कई बार भगवत पाठ करा लेता है, भागवत का पाठ करा लेता है, रामायण करा लेता है, और रोज पढ़ता है सुबह उठकर रामायण। क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो हमारे जीवन के मंत्र बन जाएं, मन में ठहर जाएं, उन जैसी प्रवृत्तियाँ, उन जैसे चरित्र ठहर जाएं। इसलिए भारत में स्वाध्याय होता है, विदेशों में किताबें पढ़ी जाती हैं, जो पढ़ी जाएं वो व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन जो अनुभव में आ जाएं वो सार्थक हो जाती हैं। हमारे यहाँ का गुरु हमें आत्म श्रद्धान को परिवर्तन का मौका देता है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि अपनी रुचि समीचीन रखो। हमारे यहाँ कहा है अपनी रुचि को समीचीन रखो। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किस्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जैसे आपको पता चलता है कि ये हमारा रिश्तेदार बनने वाला है, बहू आने वाली है, यही लड़की है वो जिससे मेरे बेटे की शादी होना है, आप तुरंत उससे प्यार से बोलने लगते हैं। और किसी बात पर तकरार हो जाए तो हर ऐब नज़र आते हैं। जो रिश्तेदार की आपने बड़ी तारीफ़ की थी, वही आपको एक दो लाख रुपया कम दे दे, फिर बताओ क्या होगा उसका? जितनी बुराइयाँ होंगी सारी इकट्ठी कर लोगे, ढूंढ ढूंढ के कर लोगे। तो अपने जीवन में महान बनिए, अपने जीवन में किसी को एहसान से, अहंकार से उसका सहारा मत बनिए। बिना अहंकार के, नम्रता से, समर्पण भाव से आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका घर परिवार सभी सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो। मेरा यही सुभाषिस।
इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता एम के जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 211,000, संरक्षक 111,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, आपके द्वारा दिया गया दान 80 जी एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।